पत्नी ने अपने पति नाल हॉटस्पॉट शेयर नहीं किया तां गुस्से दे विच आ के पति ने खौफनाक कदम चुकिया अते पत्नी नूं तेज धार हथियारां नाल वढ दिता। दरअसल रेखा नाम दी औरत घर दे काम दे विच व्यस्त सी ते घर दी साफ सफाई दा काम कर रही सी। इन्ने च उसका पति अजे घर आया ते उसने अपने फोन च नैट चलाउणा सी पर उसके फोन का नैट नहीं चल रहा सी ते उसने अपनी पत्नी नूं नैट शेयर करन लई कहा। काम च व्यस्त होने के कारण उसने नैट शेयर करन तो इनकार कर दिता। इन्ने दे विच ही दोवां विचकार खूब बहस हुई ते छोटी जही गल शख्स नूं चुप गई कि उसकी पत्नी ने उसनूं इनकार किवें कर दिता अते घर दे अंदर रखिया तेज धार हथियार चुकिया अते रेखा ते वार करने शुरू कर दिते जिस कारण रेखा पूरी तरह जख्मी हो गई अते उसकी मौके ते ही मौत हो गई। वारदात नूं अंजाम दे के मुलजम मौके तो फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इस मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया। उथे ही जिवें ही गवांडियां नूं इस गल दा पता लग्या तां इस दी सूचना तुरंत पुलिस नूं दित्ती जिस तों बाद पुलिस मौके ते पहुंची अते जांच दे विच जुट गई। उथे ही मृतक रेखा रोहतक दे कसरेटी पिंड दी रहण वाली सी। उसके भरा राजेश ने पुलिस नूं दित्ती शिकायत दे विच दस्या कि 10 साल पहला उसकी भैण दा विआह मदीना पिंड दे अजय नाल होया सी। उन्हां दे दो बच्चे ने ते अजय खेतीबाड़ी दा काम करदा है। ओह सनकी सुभाअ दा वी सी अते अक्सर ही झगड़ा करदा रहिंदा सी। पूरा दिन मोबाइल चलांदा सी अते जे उसनूं मोबाइल चलांदे नूं जे कोई टोक दंदा तां उसदा गुस्सा सत्तवें आसमान ते पहुंच जांदा। उन्हां नूं अंदाजा नहीं सी कि ओह इस तरह दी वारदात नूं वी अंजाम दे सकदा है। उत्थी पुलिस दा कहना है कि मुलजम अजय नूं गिरफ्तार कर लिया ते उसनूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। पुलिस दा कहना है कि मुलजम दे खिलाफ इस तों पहलां वी कई मामले दर्ज ने। ऐसे उसमें वैसे मदीना वाले मैटर में दिनांक 30/7 को हमें लगभग 2-1 बजे सूचना मिली थी। अब भाई मदीना गांव में किसी एक लेडीज का मर्डर हो गया तो हम वहां मौके पे पुलिस पार्टी पहुंची तो वहां जाके देखा तो वो लेडीज थी जो मृतका रेखा वाइफ ऑफ अजय वो अपने घर के आंगन में पड़ी हुई थी बीच में। तो वहां हमने जाके उसका मुआयना किया। FSL की टीम बुलाई साइंटिफिक वाली तो उसको वहाँ से डेड बॉडी को उठाया मतलब मुआयना करने के बाद में और उसको वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके परिवार वाले आ गए थे। परिवार वालों की शिकायत पे मुकदमा दर्ज हो गया हमारा और उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद वो मुलजिम मौके पर नहीं मिला। हमने एक्चुअल में अरेस्ट तो हमने रात को ही कर लिया था और जो उनका मेन तो बात ये हुई थी कि भाई वो अपना नेट को चलाने वगैरह को फ़ोन का जो नेट होता है उसको चलाने को लेकर मियाँ बीबी में कोई बात हो गई थी। उसने कहा भाई नेट चला दे। वो उसने लेडीज़ ने कहा रेखा ने अगर भाई मैं नेट अपना पहले गोबर भारी करके और उसके बाद में चलाऊँगी आपका तो यही काम है। इस गुस्से में उसने अपनी मिसिज का कत्ल कर दिया। इसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ गिरफ्तार कर लिया इसको गिरफ्तार करके और जुडिशल भेज दिया इसको। कितने दिन का रिमांड? वो 14 दिन का होता है हम पहले। और परिवार स्थिति कैसी थी? या पहले झगड़ा रहता था इस तरीके की बात? नहीं इस प्रकार की पहले हमारे पास कोई सूचना नहीं भाई पहले कोई झगड़ा है या उसकी कोई और वैसी हिस्ट्री हो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। क्या काम करता था? ये घर ही रहता था जमींदारा करता था अपना अपने फादर इनके साथ मिलके। कोई ये बता रहे तांत्रिक वगैरह ये वो? नहीं नहीं ऐसी कोई सूचना हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं ना हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ मिला भाई कोई तांत्रिक वगैरह का कोई ऐसा मैटर हो उसमें। फिलहाल पुलिस कहाँ तक पहुँची? उसको अरेस्ट कर लिया और जिस मतलब हथियार उसे फरसे से उसने वारदात की थी वो बरामद कर लिया हमने और उसको जुडिशल भेज दिया। क्या फोन वगैरह इस तरह का ज़्यादा चलाता था? बस फोन फान तो देखो इतने वो चलाते थे नेटवर्क की दिक्कत थी जभी तो उसने कहा होगा। वो थोड़ा सनकी टाइप सा लग रहा है वो जैसे मतलब बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करना इस टाइप का सा बात थी। और तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन बाकी कोई अगर और बात सामने आएगी तो बाद में बता दी जाएगी आपको। क्या उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी मिली हो? नहीं बैकग्राउंड उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि जैसे पीछे से कोई क्रिमिनल हो या कोई और मुकदमे दर्ज हो ऐसा कुछ नहीं पाया अभी तक तो। क्या